पाकिस्तानी शोबे इंडस्ट्री में बहुत से अदाकार ऐसे भी हैं जो कि आला डिग्री याफ्ता है, मगर उसके बावजूद शोबे इंडस्ट्री में। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम उन अदाकारों के बारे में बात करेंगे जो कि असल जिंदगी में डॉक्टर हैं। इनमें से कुछ अदाकार तो ऐसे भी हैं जो हर वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं। नंबर वन पे हम बात करेंगे पाकिस्तानी अदाकारा शाइस्ता लोधी के बारे में। शाइस्ता लोधी अदाकारा और टीवी शो होस्ट होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं। इन्होंने कराची में अपना एक क्लिनिक बनाया। आप में से बहुत से कम लोग ये जानते होंगे कि शाइस्ता लोधी कॉस्मेटिक और स्किन की डॉक्टर हैं। जब इन्होंने शोबे इंडस्ट्री में कदम रखा तो ये अपने काम में माहिर ना थी, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर महारत हासिल कर चुकी हैं टीवी स्क्रीन के साथ साथ। अब ये अपने क्लिनिक पर भी नज़र आती हैं। शोबे इंडस्ट्री के बहुत से सितारे इनके पास ट्रीटमेंट करवाने चाहते हैं, जिनकी तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं। नंबर टू पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी अदाकारा नादिया हुसैन के बारे में। अदाकारा टीवी शो होस्ट होने के साथ साथ एक डेंटिस्ट भी हैं। नादिया हुसैन ने MBBS की डिग्री जनाह कॉलेज से हासिल की। इसके अलावा नादिया हुसैन एक कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं। इनका अपना कॉस्मेटिक ब्रांड और सैलून भी है। नंबर थ्री पे हम बात करेंगे अदाकार फहद मिर्ज़ा के बारे में। सरवत गिलानी के शोहर अदाकार फहद मिर्ज़ा अदाकार होने के साथ साथ MBBS डॉक्टर भी हैं और ये प्लास्टिक सर्जन भी हैं जो कि इस वक्त लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। फहद मिर्ज़ा ने शोबे इंडस्ट्री में ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े रहने के लिए कुछ ना कुछ करते नज़र आते हैं और ये अपने दोनों कामों को पसंद करते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे अदाकार अदील चौधरी के बारे में। ये एक्टर, मॉडल और सिंगर होने के साथ साथ डेंटिस्ट भी हैं। इन्होंने लाहौर के मशहूर कॉलेज से हासिल की। इसके अलावा अदील चौधरी को बॉलीवुड में भी काम करने की ऑफर मिली। अदाकार अदील चौधरी ने एज अ डेंटिस्ट बहुत ही कम काम किया, क्योंकि इनको शोबे इंडस्ट्री में काम करना बेहद पसंद था, इसलिए इन्होंने अपने शौक को मद्देनजर रखते हुए शोबे इंडस्ट्री की दुनिया में कदम रखा और खुद को एक बेहतरीन अदाकार के तौर पर मनवाया। इसलिए ये आज लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं और हर TV ड्रामा में नजर आते हैं। फ्रेंड, ये थी मेरी आज तक की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।